हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रीपोजिशन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, तो आप देखिए, प्रीपोजिशन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री यानी पहले, और पोजिशन पोजिशन अर्थात जो है स्थापित। ठीक है, प्रीपोजिशन यानी स्थान देना या रखना, पोजिशन किसके पहले रखना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, के पहले। ठीक है, तो प्री मतलब पहले, तो किसके पहले रखना है, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले रखना है, उसे हम प्री पोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर राहुल इज कमिंग बाय ट्रेन। मिस्टर राहुल इज कमिंग बाय ट्रेन, जैसे ये लिखा है मिस्टर राहुल इज कमिंग बाय ट्रेन, तो उसमें जो बाय शब्द आया है, ये जो बाय वर्ड है, यही क्या है, प्रीपोजिशन। और किसके पहले आया है, ट्रेन के पहले। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन। ये ट्रेन जो है, ये क्या है, ये है नाउन, तो इस नाउन के पहले रखा गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के जो है मैदान में खेल रहे हैं, तो इसमें नाउन क्या है, फील्ड है, और यहाँ पे जो इन शब्द आया है, यही क्या है, प्रीपोजिशन। यही प्रीपोजिशन। तो आप इसी तरह के शब्द जो है देखेंगे, और इनका प्रयोग आप देखेंगे कि कैसे होते हैं, और टाइप्स ऑफ यानी कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, अब देखिए, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में आपको तीन प्रकार के प्रीपोजिशन मिलेंगे, तीन प्रकार के प्रीपोजिशन मिलेंगे। एक होता है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन यानी आपको एक ही शब्द मिलेंगे प्रीपोजिशन में, एक ही शब्द रहेगा और वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। ठीक है, जैसे इन, एट, ओवर, आफ्टर, ऑफ, अप, डाउन, बिहाइंड, अंडर, अपॉन, बिलो, ऑन, वाया, ठीक है, उसके बाद टू, बिफोर, ये सब सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। और दूसरा है जो आपको मिलेगा, जो वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से बनते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, वर्बल प्रीपोजिशन। वर्बल प्रीपोजिशन, ठीक है,
तो ये जो वर्बल प्रीपोजिशन है और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है सब एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक, तो वर्बल प्रीपोजिशन ये वर्ब से आते हैं, जैसे ई एक्स सी पी टी, एक्सेप्ट, ठीक है, कंसीडरिंग, कंसीडरिंग, ठीक, पेंडिंग, ये एडजेक्टिव की तरह लगते हैं, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक, अनलाइक, ठीक, बारिंग, तो ये सारे वर्ड जो है कहाँ से बनकर आए हैं, वर्ब से बनकर आए हैं, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट हो गया, कंसीडरिंग हो गया, पेंडिंग हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, बारिंग हो गया, इन सब का प्रयोग जब हम सीखेंगे तो जो है उसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये कहाँ लगते हैं। आप फिलहाल ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ड, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ड, जो कि वर्ब से बनते हैं, इसलिए उनको वर्बल प्रीपोजिशन कहते हैं। और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कौन होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में आपको ध्यान रखना है ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन दो शब्द, यानी दो प्रीपोजिशन साथ साथ में रहेंगे, जैसे अप टू, अप और टू, ठीक है, इन टू, ड्यू टू, ठीक, आउट टू, एज फॉर, दो वर्ड एक साथ मिलेंगे, एज टू, इनको हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी एक से अधिक प्रीपोजिशन, एक से दो प्रीपोजिशन जब साथ साथ में आते हैं तो यहाँ पे हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, अलोंग विद, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन में एक शब्द होगा, जैसे इन, एट, ओवर, आफ्टर, अप, ऑफ, अप, डाउन, बिहाइंड, अंडर, अपॉन, बिलो, ऑन, वाया, टू, बिफोर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, टिल, अनटिल, बीनीथ, बियॉन्ड, पर, देन, एमिड, ठीक है। तो ये सब सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसमें इनटू भी आता है, इनटू एक साथ रहेगा तो वो सिंगल वर्ड रहेगा, अगर अलग अलग लिखा है ये अलग अलग होगा तो वो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन, पोजिशन कहाँ पर रखेंगे आप, पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन, पोजिशन किस स्थान पर इन्हें आप रखेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन में। इन द बिगिनिंग, वाक्य के शुरू में, मिड और लास्ट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के शुरू में या फिर बीच में या फिर अंत में ये प्रीपोजिशन रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल है This is a book of poems. ठीक है, this is a book of poems. फिर दूसरा सेंटेंस, this train
गोज टू आगरा। तो यहां पे देखिए ऑफ देखिए टू देखिए कहां पे आया है, तो वाक्य के बीच में आया है, मिडिल में आया है, ठीक है, नाउन के पहले किया गया है। तो कौन से नाउन, यहाँ पोयम नाउन है, आगरा नाउन है और इसके पहले किया। फिर स्कूल बिगिंस एट 8 o'clock, स्कूल बिगिंस एट 8 o'clock। तो ये प्रीपोजिशन है, 8 o'clock क्या है, नाउन है, घड़ी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एट शब्द आया है नाउन के पहले, आगरा शब्द नाउन है, इसके पहले टू आया है, पोएम्स नाउन है और इसके पहले टू आया है, ऑफ आया है। तो ये तीनों वर्ड क्या हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर और देखिए एग्जाम्पल, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किससे डर है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस के लास्ट में आया है, ये सेंटेंस का लास्ट है, यहाँ पे मिड में आए हैं, ठीक है, मिड ऑफ द सेंटेंस, और ये लास्ट में आया है। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट में, शी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, शी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट। अब यहाँ पे देखो एट शब्द लास्ट में आया है, ठीक है, लुक्ड एट। तो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है, ठीक है, सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे अफ्रेड ऑफ, ये पूरा है अफ्रेड ऑफ, ठीक है, और ये लुक दैट, ये पूरा है, लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, लास्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में भी आ सकता है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, हु आर यू थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग ऑफ, ठीक है, थिंकिंग ऑफ, ये जो ऑफ शब्द आया है लास्ट में है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो डब्ल्यू एच वर्ड से जो शुरू होगा उसके लास्ट में आएगा, लास्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। तो लास्ट में आ रहा है, सेंटेंस के शुरुआत में भी आता है, जैसे फॉर हुम वॉज द, फॉर हुम वॉज द वार्निंग इंटेंडेड, ठीक, ये चेतावनी किसके लिए है, तो फॉर हुम वॉज द वार्निंग इंटेंडेड, यानी ये चेतावनी किसके लिए थी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर शब्द आया है ये है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन ये है फॉर, यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में है। फिर ऑन विच फ्लाइट इज द जनरल ट्रैवलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑन विच, ऑन शब्द जो है
सेंटेंस के पहले आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के शुरुआत में ये सारे जो है आते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। हमारी जो है इम्पॉर्टेंट जो जर्नी होगी प्रीपोजिशन वाली, यहाँ से शुरू होगी। यूज ऑफ प्रीपोजिशन हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें पहला है पोजिशन इन टाइम, पोजिशन इन टाइम यानी समय को बताने के लिए, ठीक है। तो समय को बताने के लिए जब किसी निश्चित या अनिश्चित समय या समयावधि का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसे हम जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मुख्य प्रीपोजिशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एट, ऑन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, throughout, by, over, past, past, till, until, single L रहेगा, टू, अंडर, किसी, ये सारे वर्ड पोजिशन इन टाइम के लिए ये सारे प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। अब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कब होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला है यूज ऑफ अबाउट। Use of about, okay? तो about का जो प्रयोग होगा वो लगभग के अर्थ में होता है। About लगभग के अर्थ में, समय के लिए लगभग के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे example, it is about 10 o'clock। टेन ओ क्लॉक लगभग 10 बजे, ठीक है। इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, ठीक है। अबाउट अबाउट लगभग यानी लगभग अब उठने का समय या जागने का समय हो चुका है। इट इज अबाउट लंच आवर, it is about lunch hour, मतलब ये अब लगभग लंच का समय हो गया। it is about time to play, time to play, ठीक है। तो इस तरह से about का प्रयोग जो है हम समय के लिए लगभग के अर्थ में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारी शुरुआत है प्रीपोजिशन की। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और जुड़े रहें ताकि हम अपने और नॉलेजेबल वीडियोस को
इंग्लिश से संबंधित और दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित जो की तैयारी करने में आपको की सहायता कर सकता है, उनसे संबंधित जो भी कंटेंट होंगे इस पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि ताकि आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।